एक ऐसी अभिनेत्री जो कभी भी बॉलीवुड एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी। और जब ये बॉलीवुड की अभिनेत्री बनी तो इन्होंने कैसे तोड़ दी थी फिल्मों में संस्कारी बहू और गर्लफ्रेंड वाली छवि। अपनी बेहद बोल्ड, हॉट और दिलकश अदाओं से कैसे उड़ा दी थी इस अदाकारा ने सुपरस्टार्स की नींदें। पांच अफेयर्स होने के बाद भी बॉलीवुड की ये नायाब एक्ट्रेस कुंवारी रहकर क्यों तरसती रही सच्चे प्यार के लिए। सत्तर से अस्सी के दशक में अपनी खूबसूरती से तहलका मचा देने वाली इस अभिनेत्री को बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन क्यों मरवाना चाहते थे? तुम्हें जिंदा नहीं देखना चाहता। और क्या आप जानते हैं कि एक बार अपने बॉयफ्रेंड को मनाने के लिए ये अभिनेत्री कैसे अर्ध नग्न अवस्था में सड़क पर निकल गई थी? I love you. Please don't leave me. Please don't leave me. कैसे इस अभिनेत्री को भूत प्रेत आत्माओं से प्रताड़ित होने वाली लड़की घोषित कर दिया गया था? क्या कह रही हूँ माँ? और क्यों इस अभिनेत्री के दुख भरे दिनों में इनके परिवार के साथ साथ पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने इन्हें भुला दिया था? ये दिन तो आता है एक दिन जवानी में, आगे मिले तो लगे आग पानी में। और जिस एक्ट्रेस की दीवानी पूरी दुनिया थी वो कैसे एक कमरे में सड़ी और मरी हुई मिली? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड नॉवल। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की एक नायाब एक्ट्रेस की जिसके पास सब कुछ था, अगर कुछ नहीं था तो वो था सच्चा प्यार। इस अभिनेत्री की खूबसूरती का जादू ऐसा था कि उस दौर के कई अभिनेता इनके प्यार में कैद हो गए थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बोल्ड, हॉट, स्टाइलिश और बेहद खूबसूरत अभिनेत्री परवीन बॉबी की। परवीन बॉबी का जन्म 4 अप्रैल 1949 को जूनागढ़ गुजरात में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम वली मोहम्मद बॉबी था जो जूनागढ़ के नवाब के दीवान हुआ करते थे। इनकी मां का नाम जमाल बख्ते बॉबी था जो एक घरेलू महिला थी। परवीन बॉबी का जन्म उनके माँ बाप की शादी के 14 साल बाद हुआ था। ये अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। परवीन बॉबी जब 5 साल की थी इनके पिता इस दुनिया को अलविदा कह चले थे। ये अपनी माँ की देखरेख में ही बड़ी हुई। परवीन बॉबी की आरंभिक शिक्षा माउंट कार्मेल हाई स्कूल अहमदाबाद से हुई। इसके बाद सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद से अंग्रेजी साहित्य में इन्होंने मास्टर डिग्री प्राप्त की। परवीन बॉबी कभी भी एक एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थीं। अपने कॉलेज के दिनों में उन्होंने मॉडलिंग की। ऐसे ही एक दिन परवीन बॉबी मॉडलिंग के लिए मिनी स्कर्ट में तैयार होकर सिगरेट के कश लगा रही थी कि तभी उन पर प्रोड्यूसर डायरेक्टर बी आर इशारा की नजर परवीन और उनके बिंदास अंदाज पर पड़ी। बी आर ने परवीन बॉबी से बात की और अपने फिल्म चरित्र के लिए उन्हें कास्ट कर लिया। मैं तो साहब एक जिस्म बेचने वाली नीच और जलील मगर निडर कॉलगर्ल हूँ। ये फिल्म कुछ खास नहीं चली लेकिन परवीन बॉबी का ग्लैमरस अंदाज बहुत पसंद किया गया जिसकी वजह से वो इंडस्ट्री के फिल्म निर्माताओं की नजर में चढ़ गईं। इसीलिए कहा गया है कि ये फिल्म परवीन बॉबी का करियर बना गई। इसके बाद परवीन बॉबी अमिताभ बच्चन की फिल्म मजबूर में दिखाई दी। परवीन बॉबी के लिए अमिताभ बच्चन के साथ काम करना किसी बड़ी सफलता से कम नहीं था। आपका बहुत उस दौर में एक्ट्रेस अमिताभ बच्चन के साथ काम करने के लिए मरा करती थी लेकिन परवीन बॉबी को एक के बाद एक फिल्म करने को मिल रही थी और मिल ही नहीं रही थी। ये फिल्म हिट और सुपरहिट भी हो रही थी। परवीन बॉबी ने बॉलीवुड के सभी सुपरस्टार्स के साथ काम किया था लेकिन उनकी जोड़ी सबसे ज्यादा अमिताभ बच्चन के साथ ही पसंद की गई। परवीन के रूप में बॉलीवुड को कुछ नया मिला था। परवीन बॉबी ने संस्कारी बहू बेटियों की इमेज को तोड़कर ऐसे रोल अदा किए जो कि स्टीरियोटाइप छवि को तोड़ते थे। मेरी तरह अल्लाह करे
सिगरेट के कश लगाना, लड़कों के साथ घूमना फिरना और उनके साथ बैठकर शराब पीना और छोटे कपड़ों में पार्टी का हिस्सा बनना। अपने अलग अंदाज और बेबाक एटीट्यूड की वजह से इन्होंने 1970 से लेकर 1980 तक इंडस्ट्री पर राज किया और इन्होंने भारतीय सिनेमा को हिट और सुपरहिट के तौर पर मजबूर, दीवार, काला सोना, अमर अकबर एंथोनी, काला पत्थर, सुहाग, द बर्निंग ट्रेन, शान, क्रांति, कालिया, नमक हलाल और सितमगढ़ जैसी फिल्में दी। परवीन बॉबी के आने से पहले ऐसे रोल की इंडस्ट्री में कोई पूछ नहीं थी। एक्ट्रेस वही थी जो संस्कारी थी, लेकिन परवीन बॉबी और जीनत अमान ने मिलकर इस इमेज को तोड़ दिया। परवीन बॉबी असल जिंदगी में भी ऐसी ही थी। परवीन बॉबी को प्यार हुआ बॉलीवुड के खूंखार विलन के रूप में पहचाने जाने वाले डैनी से। डैनी से पहले परवीन का प्यार जमील थे। जमील जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल फ्लाइट में पायलट थे, दोनों के बीच बहुत प्यार था। परवीन जब कॉलेज में पढ़ रही थी तभी इन दोनों ने सगाई भी कर ली थी, बस शादी होना बाकी था। परवीन की लाइफ सेट थी, लेकिन 1971 की इंडो पाक वॉर ने सब तबाह कर दिया। जमील हमेशा के लिए पाकिस्तान चले गए और परवीन अपनी जिंदगी में अकेली रह गई। प्लीज लव मी, प्लीज लव मी, किरण गो, प्लीज गो बिफोर इट्स टू लेट, डार्लिंग आई लव यू। परवीन बॉबी की माँ को परवीन का फिल्मों में काम करना पसंद नहीं था, इसलिए परवीन की माँ ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया था। खुद परवीन बॉबी को ये खबर उनकी माँ ने तार के जरिए भेजी थी। इसके बाद बॉलीवुड में आने के बाद इनकी लाइफ में आए डैनी। डैनी और परवीन बॉबी मुंबई में एक ही बिल्डिंग में रहा करते थे। दोनों की मुलाकात हुई, मुलाकात प्यार में बदल गई। दोनों के बीच बहुत प्यार था। 70 के दशक में दोनों लिव इन में रहा करते थे, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो सब कुछ तबाह कर गया। डैनी और परवीन बॉबी दोनों ही घर पर थे कि तभी डैनी ने परवीन के घर पर रखा एक शंख बजा दिया था। इस शंख की आवाज सुनकर परवीन बॉबी डर गई और एबनॉर्मल बिहेव करने लगी, जिसे देखकर डैनी समझ गए कि परवीन बॉबी के साथ कुछ तो गड़बड़ है। डैनी परवीन की हरकतें देख ये समझने लगे कि इनके ऊपर भूत प्रेत का साया है। डैनी ने इसके बाद परवीन से ब्रेकअप कर लिया और इनका ये रिश्ता 4 सालों तक चला था। ब्रेकअप के बाद भी डैनी और परवीन दोस्त बने रहे। कुछ समय बाद जब फिल्म बुलेट रिलीज हुई तो परवीन की किस्मत पलटी। इस फिल्म में परवीन के ऑपोजिट कबीर बेदी थे। इस फिल्म में काम करते हुए दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और दोनों को प्यार हो गया। This is परवीन बॉबी, reached the time. But above all, she's a magnificent woman and I love her. परवीन बॉबी जैसे बाकी चीजों में आउटस्टैंडिंग थी, वैसे ही इन्होंने जिससे भी प्यार किया बेशुमार किया। कबीर बेदी पहले से शादीशुदा थे। इस सब के बावजूद कबीर बेदी के लिए अपने करियर तक को इन्होंने दांव पर लगा दिया। परवीन अपने करियर के पीक पर थी, बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में शुमार थी, लेकिन उसके बाद भी जब कबीर बेदी को काम के सिलसिले में यूरोप जाना था तो परवीन अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर उनके साथ यूरोप चली गयी। यूरोप जाकर परवीन को अपने रिश्तों की सच्चाई का पता चला। कबीर बेदी काम में इतने ज्यादा बिजी रहते थे कि वो परवीन बॉबी को टाइम ही नहीं दे पाते थे। कुछ समय बाद कबीर बेदी ने परवीन को नजरअंदाज करना भी शुरू कर दिया था। परवीन बॉबी को समझ आ गया था कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का अब कोई मतलब नहीं है, लिहाजा वो कबीर बेदी को यूरोप में छोड़कर भारत वापस आ गईं। जिंदगी के हर मोड़ पर इंसान के सामने दो रास्ते आते हैं, एक अच्छाई का, एक बुराई का। मैं बुराई के रास्ते पर चल रही थी। कबीर बेदी से अलग होने के बाद यहाँ इनकी जिंदगी में एंट्री होती है महेश भट्ट की। महेश भट्ट भी कबीर बेदी की तरह पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन उनकी जिंदगी में परवीन के आने के बाद महेश भट्ट परवीन बॉबी को बेहद प्यार करने लगे। वो परवीन के प्यार में अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर परवीन बॉबी के साथ ही रहने लगे। कुछ समय तक परवीन बॉबी के साथ रहते हुए उन्हें एहसास हुआ कि परवीन की जिंदगी नॉर्मल नहीं है। एक बार
बार परवीन बॉबी महेश भट्ट के साथ कहीं जा रही थी तो परवीन ने आधे रास्ते में गाड़ी रुकवा दी और चिल्लाने लगी कि इस गाड़ी में बम है। महेश भट्ट परवीन की इस हरकत को देखकर परेशान हो गए और वो उनको एक डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर के पास जाकर पता चलता है कि परवीन बॉबी को सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी है। दरअसल इस बीमारी में इंसान एक काल्पनिक दुनिया या भ्रम की स्थिति में रहता है। इस तरह के मरीजों का नजरिया वास्तविक दुनिया से अलग होता है। परवीन बॉबी वैसे तो एकदम ठीक रहती थी लेकिन उनको इस बीमारी का एकदम से दौरा सा पड़ता था और वो डर के साए में मनगढ़ंत बातें और हरकतें करने लगती। एक बार परवीन बॉबी ने महेश भट्ट के सामने उनके डॉक्टर और खुद में से एक को चुनने के लिए कहा। ये बात सुनकर महेश भट्ट गुस्सा हो गए और परवीन बॉबी को छोड़कर जाने लगे। परवीन महेश को रोकने के लिए अर्धनग्न अवस्था में महेश भट्ट के पीछे भागने लगी लेकिन महेश भट्ट नहीं रुके। परवीन बॉबी की इस बीमारी का कारण उनके मन में बैठा हुआ डर था जिसने कई सालों से उनके ही जहन में घर कर रखा था। परवीन जब गुजरात में रहकर अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी तो सांप्रदायिक दंगों की वजह से वहां के हालात बहुत खराब हो गए थे। चारों तरफ खून खराबा और औरतें बच्चों के रोने की बिलखने की आवाजें उन्हें बहुत परेशान किया करती थी। क्योंकि परवीन एक मुस्लिम थी तो उनको इन दंगों से और भी ज्यादा खतरा था। उनके हॉस्टल की वार्डन ने उनको निकालने की हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने परवीन को एक कंबल में लपेटकर एक ट्रक में लोड करा दिया। उस समय परवीन बॉबी बहुत डरी हुई थी। उन्हें हर पल यही डर रहता था कि उन्हें कोई मार न दे या उनके साथ कोई कुछ गलत न कर दे। यही डर घटना के गुजर जाने के बाद भी उनके मन में ही बसा हुआ था। बना में चिल्ला के लोगों को बुला लूंगी, छोड़ दो मुझे। जैसे जैसे परवीन की उम्र बढ़ी वैसे वैसे उनका डर और भी ज्यादा बढ़ने लगा। महेश भट्ट के जाने के बाद परवीन अपने इलाज के लिए अमेरिका चली गई। लेकिन जैसे ही वो एयरपोर्ट पर पहुंची तो उनकी एबनॉर्मल हरकत को देखकर वहां के सिक्योरिटी ने परवीन को बंदी बना लिया। उसके बाद सिक्योरिटी ने इंडियन एम्बेसी को संपर्क किया और परवीन बॉबी को वापस भारत लाया गया। भारत वापस आकर परवीन ने कहा कि उनको मरवाने के लिए अमिताभ बच्चन ने एयरपोर्ट पर गुंडे भेजे थे। हालांकि उनकी बीमारी की वजह से लोगों ने उनकी बातों को सच नहीं माना लेकिन इसके बाद परवीन बॉबी ने अमिताभ बच्चन पर कानूनी कार्रवाई की, कोर्ट में केस भी किया लेकिन वो कोर्ट में कोई भी पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाई और अमिताभ बच्चन को बरी कर दिया गया। इसके बाद मैं अपनी सफाई में और कुछ नहीं कहना चाहता। इसके बाद परवीन बॉबी उस जमाने के आध्यात्मिक गुरु यूजी कृष्णमूर्ति की शरण में चली गईं। उन्होंने परवीन को ठीक होने में काफी मदद की और परवीन बॉबी ठीक होकर फिर से फिल्मों में लौटी और अपनी अधूरी फिल्मों को पूरा करने में लग गईं। लेकिन परवीन बॉबी को फिर से सिजोफ्रेनिया का अटैक आया और इस बार बिल्कुल फिल्मों से उन्हें दूर लेकर चला गया। परवीन अब फिल्मों से दूर रहकर इंटीरियर डिजाइनिंग करने लगी थी लेकिन बीमारी के चलते ये बदलती गईं और बाद में जाकर उन्होंने अपना धर्म भी बदलकर ईसाई धर्म अपना लिया था। ओ हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें बोलो तो जी। परवीन बॉबी को सिजोफ्रेनिया के साथ साथ शुगर जैसी बीमारी ने भी घेर लिया था। इन सब के बाद परवीन बॉबी बिल्कुल अकेले तन्हा थी। वो जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थी और उनके पास अपना कोई नहीं था। वो पूरा टाइम घर में ही रहती थी, वो कहीं भी बाहर आती जाती नहीं थी। लेकिन एक बार तो हद तब हो गई जब 3 दिनों तक उनके घर के दरवाजे पर अखबार और दूध का पैकेट ऐसे ही पड़ा रहा। जब उनके पड़ोसी ने उनके घर का दरवाजा खोला तो वो मंजर देखकर दंग रह गए। परवीन बॉबी बिस्तर पर मरी हुई पड़ी थी, उनकी बॉडी सड़ चुकी थी, उनसे गंदी सी गंध आ रही थी। जिसके बाद पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने आकर बाकी की तहकीकात शुरू की। परवीन बॉबी की बॉडी को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उनका पोस्टमार्टम कपूर हॉस्पिटल में किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में परवीन बॉबी के पेट में खाने का एक भी कण नहीं मिला, यानी कि एक्ट्रेस ने मौत से 2-3 दिन पहले से कुछ नहीं खाया था, वो बिल्कुल भूखी थी। रिपोर्ट के मुताबिक परवीन बॉबी की मौत भूख के कारण हुई। 3 दिन से कुछ न खाने पीने की वजह से परवीन बॉबी के शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई।
प्यास कभी मिटती नहीं, एक बूंद भी मिलती नहीं। परवीन बॉबी, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध देखी, सुपरस्टारडम देखा, लेकिन जब इन्हें मौत आई तब वो बिल्कुल अकेली थी, न उनका कोई दोस्त न सहेली। 20 जनवरी 2005 को परवीन बॉबी अकेली, तन्हा, भूखी प्यासी तड़प कर इस दुनिया को अलविदा कह गई। परवीन बॉबी की मौत का दृश्य इतना भयानक था कि किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि यही है वो ग्लैमरस हीरोइन जिनके लोग इतने दीवाने हुआ करते थे। इसका मतलब है हमारे पेशे में जज्बात की कोई कीमत नहीं। Yes. परवीन बॉबी बिल्कुल अकेले तन्हा थी। वो जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थी। उनके पास अपना कहने को कोई नहीं था। वो पूरा टाइम घर पर ही रहा करती थी, कहीं भी बाहर आती जाती नहीं थी। परवीन बॉबी की मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार करने के लिए उनका अपना कोई नहीं था, न कोई दोस्त, न कोई सहेली, न कोई रिश्तेदार। अंत में जब ये खबर महेश भट्ट को लगी कि परवीन बॉबी अब नहीं रही, तो वो उनका अंतिम संस्कार करने पहुंच गए। बॉलीवुड की एक बेहतरीन अदाकारा का अंत, जिसे देखने के बाद शायद ही ऐसा कोई होगा जिसकी आंखें नम न हुई होंगी। परवीन बॉबी जैसी अभिनेत्री न थी और न कभी होगी। होना क्या है, सुबह हो रही है, शाम हो रही है और जिंदगी यूं ही तमाम हो रही है। परवीन बॉबी हमेशा लोगों की यादों में जिंदा रहेंगी। परवीन बॉबी हमेशा ठीक थीं, लेकिन दंगों में मारे गए लोगों की चीख पुकार ने उनके दिलो दिमाग में गहरा असर छोड़ा, जिस वजह से एक खूबसूरत अदाकारा इस तरह से तड़प तड़प कर मर गई। परवीन बॉबी के स्टारडम का इस्तेमाल सभी ने किया, चाहे वो डैनी हो, कबीर बेदी हो, महेश भट्ट ही क्यों ना हो, सभी ने परवीन बॉबी को ऊपर चढ़ने की सीढ़ी बनाया और अंत में उनको सब ने मरने के लिए अकेले तन्हा छोड़ दिया। परवीन जैसी बहादुर और खूबसूरत अभिनेत्री को दुनिया हमेशा याद रखेगी। बॉलीवुड नॉवल ऐसी महान अदाकारा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। धन्यवाद।